YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाइए। काशी पंचांग के अनुसार आज दिनांक 26 मई 2022 दिन गुरुवार है। शक संवत 1944, विक्रम संवत 2079। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि दिन में 12:52 तक रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि रहेगी। नक्षत्र रेवती रात में 2:23 तक है, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र है। सूर्योदय 5:18 पर होगा, जबकि सूर्यास्त 6:42 पर होगा। आज रात में 8:35 तक मृत्युबाण है। मृत्युबाण में विवाह के दौरान सुमंगली यानी सिंदूर दान नहीं होता है। आज रेवती में पुंसवन सीमंत, जात कर्म, नामकरण, शिशु तांबूल भक्षण, अन्न प्राशन, गो क्रय विक्रय, कणमर्दन, शिल्प विद्या, गृह प्रवेश, हल प्रवहन, विपणी और गजाश्वकृत के लिए मुहूर्त है। आज रात 2:23 पर पंचक समाप्त हो जाएगा। आज अचला एकादशी है, इसे अपरा एकादशी भी कहा जाता है। सनातन संस्कृति में एकादशी व्रत का अपना विशिष्ट स्थान है। भगवान विष्णु को समर्पित ये व्रत महीने के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को रखा जाता है। ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी को अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। अचला एकादशी का व्रत करने वाला सब पापों और दुखों से छुटकारा पाता है। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है, वही फल अचला एकादशी के व्रत से मिलता है। आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। गुरुवार को घर से निकलने से पहले जीरा खाना चाहिए। तो ये था आज का पंचांग। धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल ग्रह गोचर।